हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 के बारे में, क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो सुबह 12 बजे के करीब जो है स्टार्ट हो गया था लिंक, और वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते थे अपना एप्लीकेशन स्टेटस। लेकिन दोस्तों जैसे कि खबर आ रही है, लाखों छात्रों का यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो रिजेक्ट शो कर रहा है, और एक्सेप्ट बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन रिजेक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो फॉर्म है यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों किन कारणों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है पूरी डिस्कशन करेंगे, और आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या रेलवे आपके पैसे रिफंड करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों पूरी अपडेट मिलेगी आपको इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो आपके लिए यहाँ पर लेके आए आरआरसी ग्रुप डी से रिलेटेड वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आरआरसी ग्रुप डी भर्ती के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एक छात्र ने हमें अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर भेजा था, तो उनका यहाँ पे शो कर रहा है यूअर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड फोटो। तो इस प्रकार के दोस्तों कई अलग अलग रीजन है जो रेलवे की तरफ से दी गई, किसी का फोटो की वजह से, किसी का सिग्नेचर की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सी दिक्कतें आ रही है। तो दोस्तों अगर अपना फॉर्म यहाँ पे एकदम करेक्ट भरा है और आरआर रेलवे की तरफ से यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई आपके फॉर्म चेक करने में, तो दोस्तों आप उन्हें यहाँ पे मेल कर सकते हैं अपना जो है जो आपका फॉर्म है उसे दोबारा रीचेक कर रहे, क्योंकि अब ये दोस्तों फाइनल स्क्रूटनी थी यहाँ पे, जो फाइनल पूरा चेकअप हुआ है यहाँ पे आपके इसका एप्लीकेशन स्टेटस, उसी के बाद ये जारी किया है। यानी अब आपका यहाँ पे इसे ठीक करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका आपको लगता है हमने फॉर्म यहाँ पे सही भरा था, ये रेलवे की गलती की वजह से हुआ, तो आप उन्हें मेल करें यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र रेलवे को मेल करें ताकि वो दोबारा से यहाँ पे आपका एप्लीकेशन के बारे में दोबारा से चेक कर सके। तो दोस्तों यही कुछ आपको बताना था। अगर आपका कोई और डाउट है यहाँ आरआरसी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस से रिलेटेड, तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं अगर आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी देना है, तो आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों ये तो बहुत बुरी खबर है आप सबके लिए कि यहाँ पे जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई करें कि सर हमारा जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो एक बार उसे फिर से चेक करें, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटो एक बार उन्हें यहाँ पे दोबारा मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी भर्ती थी आप सबके लोगों के लिए, यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पद निकले हुए थे। तो दोस्तों आप हमेशा फॉर्म अपने ढंग से भरें। कई छात्रों का मैसेज आया है सर जिन्होंने अपनी फ़ोन से ही फॉर्म भर दिया था, जो सेल्फी ले रखी होती है वही अपलोड कर दी यहाँ पे, तो उस टाइम तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ली, लेकिन जो उनका फॉर्म है अब यहाँ पे जाके रिजेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों यही कुछ खास बड़ी लेटेस्ट अपडेट है आप सबके लिए। आप अपना फॉर्म अगर एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक चेक नहीं किया है तो एक बार जरूर चेक कर ले, ताकि आपको पता लग सके कि जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों यही कुछ खास बड़ी लेटेस्ट अपडेट है आप सबके लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।